विधानसभा क्षेत्र उत्तरी वार्ड नंबर 90 न्यू कुंदनपुरी के त्रिकोना पार्क के नजदीक आज विधायक चौधरी मदनलाल बग्गा द्वारा नई सीवरेज लाइन डालने का उद्घाटन किया गया। बातचीत करते विधायक चौधरी मदनलाल बग्गा द्वारा कहा गया कि पिछले काफ़ी समय से ये एरिया नीचा होने के कारण लोगों को बरसातों में बहुत बड़ी दिक्कत आती थी, जिससे बरसाती पानी लोगों के घरों में घुस जाता था, जिससे काफ़ी नुकसान भी होता था। इसी को देखते हुए आज नई सीवरेज पाइप डालने का रस्मी उद्घाटन किया गया है, ताकि आने वाले समय में लोगों को इससे राहत मिल सके। और क्या कहना था विधायक चौधरी मदनलाल बग्गा का, आप नेता तजिंदर सिंह राजा का, जनसर एक्सप्रेस टीवी के लिए लुधियाना से जसविंदर सिंह विपन अरोड़ा की रिपोर्ट। आज वार्ड नंबर 90 दे विच काफ़ी समय लंबे समय तो मांग सी, क्योंकि ये थोड़ा कोई लो लैवल एरिया होने कारण, नीवा एरिया होने कारण बरसातों के तकरीबन तीन तीन चार चार फुट पानी लोगों के घर चल जाता सी, और तकरीबन सारा फर्नीचर इन्हों का खराब ही होता हर साल, सारिया इतने डिस्पोजल भी लगी हुई हैं, पर तकरीबन वो कमी बहुत वही सू दिक्कत आती थी कि पानी हर बरसातों के सू रात भी जाके इस दिन भी साड़ी कारपोरेशन इतने मेहनत करनी पड़ती, लोगों भी बड़ा वाला नुकसान होता है। अज वो राहत वास्ते असी इतने सीवर बन जा रहे हैं, जो स्टॉम सीवर जिस दे नाल इस इलाके का जो बरसाती पानी है जी बहुत वाला नुकसान करता सी खत्म हो जाएगा, और आने वाले टाइम लोगों हर साल जी दिक्कत आती है वो हुण नहीं आएगी। ये लोगों का सहयोग, लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि जिते जिते कोई डिवेलपमेंट होती है उत्थे लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। और एक साल पहले लोगों ने जो मैं प्यार दो सत्कार जो आशीर्वाद दिता सीगा, उस दे वजों अज आम आदमी पार्टी सरकार और खास तौर पर साडे सूबे के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह जी मान, जिन्होंने फंड अलाट करके साडे हलके वास्ते और खास तौर पर पंजाब की डिवेलपमेंट पंजाब दे अगे ले जाने वास्ते जो रोड का कर रहे हैं, मैं उन्होंने धन्यवाद करता, और आस है कि आप आने वाले टाइम इस तरह ही शहर की डिवेलपमेंट करते रहिए, शहर में साफ सुथरा रखिए, और जोड़ा सा बैल्टा दरिया की सानू बहुत बड़ा नुकसान से हूँ कि ना कि इस तरह 6-7 महीने तो अभी काफ़ी मेहनत की है। पिछली बरसातों के भी सानू काफ़ी बड़ा रिलीफ मिले, जी पिछले सालों के दिक्कत आती थी इस साल सानू घट आई है, साड़िया दो डिस्पोजल चलती रही ने, और स्टैंड बाई जी डिस्पोजल है वो स्टैंड बाई रहेगी, और बाकी सीवर जिन्ना भी है सारा जो पुराना पानी संजुग भी आता है यदि निकासी वास्ते सीवर बहुत वाला है। इस करके मैं मुबारकबाद दिना इलाका नौसी कि इन्होंने जी मंग है पूर्ण हो जा रही है। वार्ड नंबर 90 MLA चौधरी मदनलाल बग्गा जी का आंदा धन्यवाद करता हाँ। उस दे नाल नाल मैं ये दसना चाहना कि वार्ड नंबर 90 दे विच जिहड़ी बरसाती पानी रेन वाटर लोगों को परेशानियों का सामना करना पै रहा है, जिहड़ा बरसाती पानी लोगों के घर च जाता सी उत्थे पानी खड़ जांदा सीगा, उस लई बग्गा जी ने पहल आधार से अज 24 इंची पाइप जिहड़ी कि डिस्पोजल जानी है महल्ले दे विच पाइप पै रही है, तो इस नाल महल्ले निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। जिहड़ा बारिश का पानी लोगों घर जाता जी वो नहीं जाएगा। मैं MLA चौधरी मदनलाल बग्गा जी का अपने महल वासी का वार्ड नंबर 90 तो अपने वालों बहुत ही तय दिल धन्यवाद हाँ जिन्होंने उपराला सब तो पहला शुरू किया। देखो जी एक बहुत ही शलाघायोग काम आ, इलाके का बहुत ही मुश्किल भरिया काम सीगा है, जो तो भी बरसात आती सारा इलाका पानी के वजह डुब जाता है, और जो अज काम हुआ तो किसी एक बंदे राहत नहीं मिलनी, पूरे इलाके पूरे महल में राहत मिलनी है। मैं कहूँगा कि इस तो वधिया काम कोई हो नहीं सकता, बहुत वधिया काम किया वा जो इन्होंने जुड़े हुए साढ़े वीर तजिंदर सिंह राजा जी, ये भी उन्होंने रहनुमाई हेठ इलाके बहुत वधिया सेवावान दे रहे हैं, इन्हों का भी धन्यवाद है इलाके वालों, और सच्ची सुची गल है भी असं बड़े खुश हाँ इस काम तो, और होर भी जो काम होने वाले इलाके में वो भी उम्मीद रखते हैं भी इस तरह हो।